इकबाल का एक बड़ा ही मशहूर और मकबूल शेर है, जम्हूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। लेकिन इस बार बंदे भी गिने गए और सियासी तराजू में तौले भी गए हैं। यह उसी बिहार में हुआ है जहां जाति और राजनीति बरसों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% कर दी गई। विधानसभा में नीतीश कुमार ने जब इसके लिए बिल पेश किया तो किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, बिल सबकी सहमति से पास हुआ बिहार विधानसभा। तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। बिहार अब 75% आरक्षण वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन चुका है। बिहार में पॉलिटिकल डेवलपमेंट जल्दी जल्दी हो रहा है। बिहार वही राज्य है जहां 23 जून को विपक्ष की 15 पार्टियां पहली बार एक मंच पर जमा हुई, मिलकर मोदी से लड़ने का ऐलान किया और अब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसलिए नीतीश के आरक्षण वाले दांव से कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या है ये सवाल, आइए आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार इंडिया गठबंधन के लिए सियासत की नई प्रयोगशाला वाला राज्य बनने वाला है? सवाल नंबर 2, क्या 30 साल बाद एक बार फिर मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति शुरू होने वाली है? सवाल नंबर 3, क्या आरक्षण पर नीतीश का 75% वाला कानून सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? ये 3 बड़े और अहम सवाल है। तो सबसे पहले बात सवाल नंबर 1, सवाल ये कि क्या बिहार राजनीति की नई प्रयोगशाला बनने वाला है? क्या नीतीश के आरक्षण मॉडल में ही इंडिया गठबंधन को जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है? मुझे पता चला है कि विपक्ष बिहार की प्रयोगशाला से निकलने रसायन से ही मोदी की काट खोज रहा है, इसका इंडिकेशन भी मिलने लगा है। जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, जैसा नारा देने वाली कांग्रेस ने नारा बदल लिया है। अब वो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला नारा लगा रही है। राहुल गांधी का ये बयान गौर से सुनिए। हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? बिहार में जातिगत जनगणना को बीजेपी झुनझुना बता रही थी, लेकिन जब इसके आंकड़े जारी हुए तभी से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही थी। नीतीश ने अब आरक्षण का ऐलान किया तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। ये बात पार्टी के बड़े नेताओं को समझ में आ रही है। यही वजह है कि आरक्षण पर वो भी नीतीश का विरोध नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है। हम तो पहले से मांग कर रहे थे कि कास्ट सर्वे में जो ओबीसी और ईबीसी है उसकी आबादी बढ़कर 63% हो गई है, तो वैसी स्थिति में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया, प्रस्ताव लाए, तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। बीजेपी को आपने सुना, बीजेपी समझ चुकी है कि इंडिया गठबंधन ने अगर नीतीश का जाति जनगणना वाला मॉडल बनाया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा उसका कोर वोट बैंक बिखर सकता है। इसकी काट क्या है, इस पर बीजेपी अभी तो अपने पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन गरीब की जाति और उनके कल्याण को मकसद बताकर विपक्षी दांव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जरूर कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,
गरीब कारीगरों की मदद के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, गरीबों को अपनी छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, हेल्थ गारंटी के लिए आयुष्मान भारत योजना, ये तमाम योजनाएं बीजेपी इनको काट की तरह रख रही है। ये ऐसी योजनाएं हैं जिनकी मदद से बीजेपी ने पिछड़ों में अच्छी पैठ तो बना ली, उसे इलेक्शन में इसका फायदा भी खूब हुआ, लेकिन वो जाति आधारित राजनीति से भाजपा को होने वाले नुकसान को भी भांप रही है और इसकी काट के लिए तैयारी भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने बस्तर में जो कहा वो आपको सुनवाते हैं, इससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी। कांग्रेस कह रही है आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।